देख रहे पूरा भरपूर लाइट भी है इसमें। तो अभी अपने पास में ये ट्रांसलिट प्रिंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ रहता है। इससे हम बनाने वाले हैं एलईडी फोटो फ्रेम। वहां पे आप देखेंगे तो ये हो गया अल्मोनियम वाला। अगर आपके आसपास में ये अल्मोनियम नहीं मिलता है तो आप नहीं बना पा रहे तो टेंशन मत लीजिएगा। इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं सिंपल ये सनबोर्ड, एक्रेलिक और कोई सा भी मशीन भी आपको नहीं चाहिए, लेजर मशीन भी नहीं चाहिए, आप इजिली इसको बना पाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका नापी ले लेते हैं। नापी यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे नापी ले लेते हैं, 8 इंच का है और इधर से 14 इंच का है। तो हम हाफ हाफ इंच बढ़ा करके यहाँ पे सनबोर्ड को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 8.5, देख रहे ना 8.5, और इधर से हाफ इंच बढ़ा करके इधर और इस साइड में, ठीक है। अब इसको सिंपल इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देख लीजिए ये ब्लेड से इस तरीके से कट कर लेंगे। ये अपना कट हो चुका है। ये हो गया कटिंग। इसके बाद में पतला पतला स्ट्रिप काट लेंगे, इतना पतला, इतना पतला ठीक रहेगा, ठीक है। ये भी अपना चार पीस आसपास लगेगा, 3 या 4 पीस इस तरीके से। और अपने चैनल पे आपको इसी तरीके का वीडियो देखने को मिलेगा, 3D लेटर से रिलेटिव, ACP बोर्ड से रिलेटिव, P10 डिस्प्ले बोर्ड, ये सारा वीडियो आपको अपने चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके का वीडियो देखने का शौकीन होंगे आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे ये चार हम कटिंग कर लिए हैं। अब ले लेते हैं, थोड़ा सा गंदा है सनबोर्ड, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको इस तरीके से, और यहाँ पे हम ले लेंगे बॉन्ड, बॉन्ड से हम इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से बॉन्ड से पेस्ट कर देंगे चारों तरफ। तो अब बारी आता है अपना एलईडी लगाने का। ये तो हम 4 mm का यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप यूज करेंगे। ये एडाप्टर में लाइट आ गया, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, हाँ आ गया। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, सोल्डिंग तो कर लिए हैं, लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उल्टा करके देखते हैं, हाँ लाइट आ रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से भी पेस्ट कर लेंगे चारों तरफ। देखिए ये अपना बॉर्डर सा बन गया है, और इसी पे हम अभी इसको लगा लेते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में है, थोड़ा सा बच गया, तो इसको कट कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इसका नापी ले लेंगे, कितना आ रहा है, 8 इंच, देख रहे ना 8 इंच, पूरा पूरी 8 इंच, और पूरा पूरी जितना साइज था आ गया है अपना प्रिंट का साइज का। तो अब हम ये LGP सीट को लेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे इसी नापी का, थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, 8 इंच से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आराम से इसमें चला जाए। ये अपना कट चुका है, साइज देख लेते हैं, हाँ साइज भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा हल्का सा। तो यहाँ पे जो काटे हैं ना, तो यहाँ पे ब्लेड का हल्का हल्का दाग आएगा, तो इसको हम इस तरीके से सफाई कर लेंगे। पीछे में थोड़ा सा 3M टेप लगा लेंगे, फाइबर चिपका हुआ रहेगा, इधर उधर घसकेगा नहीं, इस तरीके से। अब इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, हो गया,
ये अपना एडजस्ट हो गया है। अब बारी आता है इसके ऊपर में एक लेयर लेमिनेशन है, इसको हटा देते हैं। अब इस पे लगा देते हैं ये अपना प्रिंट। सिंपल सिर्फ इसको इस तरीके से रख देना है यहाँ पे, ये देख रहे हैं। अब इसके ऊपर से लगाएंगे एक ट्रांसपेरेंट पॉली। इसको इस तरीके से अब टेप लगा लेते हैं, प्रिंट भी नहीं हिलेगा और ऊपर से ये पॉली भी पेस्ट हो जाएगा। अब इस जगह पे अपना लग जाएगा ये पॉली। अब इस पे हम टेप लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसमें लगा देंगे जैक एडाप्टर का। इसको हैंग करने के लिए यहाँ पे एक लगा देंगे ये प्लास्टिक का, जिससे आप इसको कहीं पे भी हैंग कर पाएंगे। और ये अपना बन करके कंप्लीट हो गया है। सामने से दिखाते हैं, थोड़ा सा सूख जाए बॉन्ड। ये देखिए, ये रहा अपना सामने का लुक। देख रहे कितना कमाल का लुक आ रहा है। लाइट भी पूरा देख रहे, पूरा भरपूर लाइट भी है इसमें और फिनिशिंग भी ठीक ठाक है। और आप इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं और घर बैठे इसी तरीके से रेडीमेड मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। क्वांटिटी होगा तो रेट ठीक ठाक लग जाएगा। एक पीस रहेगा तो लगभग इसका 800 रुपये के आसपास कुरियर चार्ज इंक्लूड आपको ये रेट पड़ेगा, जिसमें 800 में आपको ये देंगे, एक एडाप्टर देंगे और ये आपको पैकिंग विंग करके पूरा कुरियर चार्ज इंक्लूड आपका घर तक 800 रुपये मिलेगा। और क्वांटिटी रहेगा तो उसका रेट अलग से लग जाएगा। तो फिलहाल मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए वीडियो के साथ में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टेक केयर।